अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नम्स के कोर्स के हवाले से बातें हैं। जो नम्स है इसका और यूएचएस के एमडीकैट के कोर्स में कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसमें से सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज जो है वो तो कॉन्टेंट्स का डिफरेंस है, और वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो हैं वो यूएचएस के सिलेबस से हटकर हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जो नम्स है वो स्पेसिफिकली फेडरल बोर्ड की बुक्स को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है, आप ये समझ लें, या उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको वो शामिल करता है। इसमें एक दो और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि नम्स के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एमडी कैट के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, आपकी नम्स के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आज इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो पहली चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन इधर भी बायोलॉजी का पोर्शन मैक्सिमम है जिसमें 70 जो है वो एमसीक्यूज यहां पर आपके पास होंगे। इसी तरीके से बाकी हैं, केमिस्ट्री के 45, फिजिक्स के भी 45 और इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज हैं। सो टोटल जो आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट के लिए मिलेंगे वो 180 के करीब है। मैं आज आपके साथ जो बेसिक सेल बायोलॉजी का पोर्शन है जो नम्स के हवाले से है उसमें जो कॉन्टेंट्स के डिफरेंस पर बात करूंगा, जो कि यूएचएस से थोड़ा सा हटकर है। मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ एक दो चीजें हैं उन्हीं को मैं ऐड करूंगा, और आप कोशिश कीजिएगा हमारा वो जो एमडी कैट का कोर्स नियरपीयर पर अवेलेबल है उसको भी देखें, क्योंकि आपका वो पोर्शन और ये नम्स का पोर्शन मिलकर आपको एक बेहतर तैयारी का मौका देगा। सो नो व्हाट इज सेल बायोलॉजी, इसमें आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल बायोलॉजी एंड व्हाट इज सेल बायोलॉजी अबाउट। सो इट्स मीन स्टडी अबाउट द सेल पर आपने डिटेल फोकस करना है। सो इसमें कौन कौन सी टर्म्स ऐड की हैं जो कि यूएचएस से हटकर हैं, दैट इज व्हाई सेल, सेल की इंपॉर्टेंस पर बात की जाएगी, सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नम्स के हवाले से ऐड है, ये यूएचएस के सिलेबस के अंदर एडेड नहीं था। सिमिलैरिटीज बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल, ये थोड़ा सा ऐड किया। डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ये बिल्कुल यूएचएस के सिलेबस वाली चीजें आ गई। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, अगेन जो कि टू टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल सेल्स हैं उनके ऊपर है। स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसमें ऐड हो गया। सो हियर सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और टर्म्स रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोपी जो है वो इसमें आ जाएंगी, और ये चीजें यूएचएस के सिलेबस के अंदर एडेड नहीं थी। सो व्हाट इज साइटोलॉजी, स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स के हवाले से साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सो इट्स मीन आपने डिटेल स्टडी करना है अबाउट द सेल। जब आप बात करते हैं डिटेल स्टडी अबाउट द सेल्स, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो आगे मैं जाकर आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो हमारी जो स्ट्रेंथ है अबाउट द सेल बायोलॉजी उसको एनहांस कर सकती हैं। इनमें से कुछ तो बेसिक टेक्निक्स हैं और कुछ जो हैं वो मॉडर्न मैथडोलॉजीज और मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन हैं, जिनके जरिए आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सेल को ज्यादा डिटेल के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द बेसिक टर्म्स साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, अगेन द वर्ड डिटेल स्टडी अबाउट द सेल्स, जिसमें आपने सेल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस करना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स और इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जब आप एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो यहां पर इन केस ऑफ प्लांट
you know, basic difference between plant and animal cells. We have the cell wall or cell membrane, which is also known as plasma membrane. So in mein humne structures dekhne hain dono ke. जो स्ट्रक्चरल कंपैरिजन है बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, पौधों के हवाले से सेल वॉल का डिफरेंस आप देख चुके हैं, फंजाई के हवाले से, फिर इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल होती है उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस की आप बात करेंगे, देन फंक्शंस की बात करेंगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ फंक्शन बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो गए. जो इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर हम लोग बुनियादी तौर पर किस चीज को डिस्कस करेंगे, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जिनको आप ऑर्गेनेल्स कहते हैं. बिकॉज आप इस चीज को क्लियरली आप जानते हैं कि सेल के विदन और सेल के अंदर भी जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, और हर एक चीज जो सेल के अंदर है जिनको ऑर्गेनेली मैं कह रहा हूं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके फंक्शंस उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, और स्ट्रक्चर की वैरायटी आप इसमें देखेंगे. सो जो बेसिक कंटेंट्स पे वो मैं बात कर दी आपके साथ. अब बेसिक जो चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि आप बहुत बचपन से इसको देख रहे हैं, सेल क्या है, व्हाई सेल का टॉपिक आया था हमारे पास, सेल क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके लिए आप बात करते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लाइफ. इसका मतलब है कि सेल से स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं और वो स्ट्रक्चर कोई फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. जैसे सेल जो बुनियाद है वो टिश्यू को बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर यही ऑर्गन सिस्टम जब दूसरे मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स के साथ मिलकर एक सिंक्रोनाइजेशन के अंदर काम करता है तो वो आपका एक इंडिविजुअल सेटअप बन जाता है. सो सेल क्या क्या कर सकता है, दे कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ द लाइफ, जिसमें इंपॉर्टेंटली द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, इसमें प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, रिप्रोडक्शन, माइटोसिस और मियोसिस फिनोमिना सेल से रिलेटेड आएगा, मूवमेंट, डिटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस, बिकॉज सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं जो कि केमिकल डिटेक्शंस में मदद करते हैं, रिस्पॉन्सेज, जैसे आपके ब्लड में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जैसे वाइट ब्लड सेल्स आप देखते हैं, वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, और वो क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं कि वो डिफेंस में आ रहे हैं,